وعليكم السلام. सर, मुझे एक सवाल पूछना जी था। सर, वो जो डबल बोर्ड हम कहीं भी लगा सकते हैं ना? जी जी कहीं भी लगा सकते हैं। ओके। मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो रही थी कल सबको। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई 5 का N5 ले लेता हूँ। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमारा क्या होगा? C5H2 × 5 यानी बनेगा C5H10। अब हमारे पास कार्बन कितने? 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब आपकी मर्जी है, डबल बॉन्ड या तो इनके दोनों के दरमियान लगा लो, या इनके दरमियान लगा लो, इनके लगा लो, या यहाँ, आपकी मर्जी। अब फॉर एग्जांपल मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेता हूँ, रिमेनिंग क्या बचा? सिंगल बॉन्ड। अब हमने हाइड्रोजन बैलेंस करने, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब ये 3 बनाएगा। फिर दूसरे वाले के 2 बने में ये 2 बनाएगा, फिर इसका 1 बना हुआ, ये 3 बने में 1 बनाएगा, ये भी 1 बनाएगा और ये फिर 3 बनाएंगे। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, अब ये 10 हुए और यहाँ भी कितने? 10 हुए। बंद करके लिखना है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। 5 कार्बन, 2 पेंट और सफिक्स इन, तो नाम बन गया पेंटी। हमारे पास जब हम आगे नेमिंग कर रहे होंगे तो वहां तो डबल बॉन्ड बना हुआ आ रहा होगा, तो हमने खुद उसकी पोजीशन बतानी होगी। अभी तो सिर्फ हम सीख रहे हैं कि होता कैसे। बाकी आ नहीं रहे अभी तक, 3 मिनट हुआ है।
चले मैं शुरू करा रहा हूँ भाई, अल्काइन शुरू करना था आज हमें। अल्काइन्स में हमारे पास भाई सबसे पहली बात पहचान कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। दूसरी बात सफिक्स, सफिक्स क्या है भाई? YNP। तीसरी बात जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इसका है CnH2n -2। ठीक है, और यहां पर भी n जो है वो कहां से शुरू होगा? 2 से ही शुरू होगा, 2 3 एंड सो ऑन, और हम कहां तक जाएंगे? 10 तक। मैंने कल वजह बताई थी क्यों, वजह ये है कि अल्केन में क्योंकि एक ही कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बन सकता है, मगर डबल बॉन्ड का बनने या ट्रिपल बॉन्ड का बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन हो तो ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर N2 से शुरू करते हैं, यानी कम से कम 2 कार्बन तो हो। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ट्रिपल बॉन्ड का, ये उसके लिए यूज होता है, ये उसके लिए यूज होता है जो हमारे पास एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसा ना हो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो और यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, कभी भी नहीं होगा। तो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है वो ओनली फॉर 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये जो जनरल फॉर्मूला है हमारा वो क्या है? सिर्फ ओनली फॉर 1 ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। एक और बात रह गई कि अल्काइन्स आर आल्सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चौथी बात ये भी क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि दे कंटेन पाई बॉन्ड है इसमें, तभी जो है ये हमारे पास क्या है? अनसेचुरेटेड है। तो याद रखिएगा, जब भी हमारा कोई कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड होगा ना, वो क्या होगा? अनसेचुरेटेड होगा। अच्छा, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही नहीं होते, हाइड्रोकार्बन के अलावा भी अनसेचुरेशन हो सकती है। अभी हम आगे जाएंगे, हम जब हम पढ़ेंगे तो, या तो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे तो याद करें, हमारे पास एक कंपाउंड आया था जिसे हमने कार्बोनाइल कहा था, याद है आपको? आप तीनों अगर क्लास में मौजूद होंगी फिजिकल वाली तो याद होना चाहिए, जी सर। कार्बोनाइल है। अब यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन में हमारे पास क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड। अब इन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है, इसका मतलब ये भी अनसेचुरेटेड है, बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, बस ये फर्क है। ये हाइड्रोकार्बन इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोकार्बन की शर्त है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो ये अनसेचुरेटेड तो है मगर हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो यानी यहां पर भी एडिशन रिएक्शन होता है, यहां पर भी क्या रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। तो जहां हमारे पास अनसेचुरेशन होगी, रिएक्शन एडिशन होगा। ठीक है,
तो ये बात जो है वो सिर्फ आपको बताने के लिए थी। चलें आगे चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं एन से। एन टू एक मिनट में, आप जो क्लास जो है ना उसको मैं अब जरा लगा दूं वेटिंग पर। अच्छा जी, N2 है भाई, तो हमारे पास हो गया CnH2n-2, CnH2n-2। अच्छा जी, हम N की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H2 × 2-2, तो बताएं क्या बनेगा। C तो 2 ही हो जाएगा, ये 2 2 4, 4 माइनस 2 क्या बचा, फॉर्मूला बना C2H2। अब कार्बन कितने हैं भाई, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड गलत पहले बनाया मैंने, दो कार्बन है। अब दो ही कार्बन है तो यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही जगह आ सकता है यहीं पे। अब आते हैं बात करते हैं वैलेंसी कार्बन की। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, 3, कितने कम है, 1। फिर इसी तरह इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड बने हुए, 3, कितने कम है, 1। तो दोनों के 3-3 बने हुए थे, तो यहां पर एक एच और यहां पर एक एच, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको जब हम बंद करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सही तरीका लिखने का क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक एच इधर होता है और एक एच ऐसे लगा हुआ होता है, ये तरीका बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। तो दोनों की एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, बस पोजीशन का फर्क है। इस तरह से कैसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड बने कार्बन से बने, इसीलिए हम इस तरह लिखते हैं। अब ये दो कार्बन है तो दो कार्बन को इथ कहते हैं और सफिक्स हमारा YNE, तो नाम क्या बन गया, इथाइन। यानी नाम क्या बन गया, इथाइन। इसी तरह से N3 ले ले भाई। अब आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड समझ में आया हुआ होगा। अगर डबल बॉन्ड समझ आया होगा तो आप ये काम इजीली कर सकते हो। चलिए जी, C3H2 × 3-2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना, C3H6, एच सिक्स बनेगा, नहीं H4 बनेगा। चले भाई, कार्बन लगाते हैं कितने, 1, 2, 3। अब आपकी मर्जी है, ट्रिपल बॉन्ड जहां लगाना हो लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हो, वरना दूसरी कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है भाई। तो अब हम लगाते हैं वैलेंसी को। चले भाई, वैलेंसी की बात करते हैं। आ जाए भाई, इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 1, कितने कम, 3, तीन, ठीक है भाई। अब आओ भाई, अब बताओ इस कार्बन के और 1 कितने बॉन्ड है, 4, ऐसा ही है। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों, कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हो चुके हैं और आखिर वाले के 3 बॉन्ड बने में तो एक आ जाएगा। तो यानी 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, 4 हैं और यहाँ भी कितने, 4 हैं। फॉर्मूला क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH
तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, सफिक्स वाई एन ई नाम बना प्रोपाइन। एक आखिरी करवा लेता हूं, एन फोर। बेटा हम जरा टाइम देख रहे हो, क्लास शुरू हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, मैंने 44 पे स्टार्ट की थी। क्या इशू था, नेट वेट का इशू था कोई? जी सर, नेट का इशू चल रहा है। ये भी ऐसा इशू है ना, इसमें हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अच्छा भाई चलें सर, असल में इस टाइम में लाइट चली आती है तो बड़ा मसला होता है। अच्छा। तो भाई C4H2 into 4 minus 2, ठीक है भाई। हम जरा साहब आप देख लें, जरा सा ऊपर मैं कर रहा हूँ, देख लें मैंने ये सारी कहानी लिखी है। ये बिल्कुल अल्काइन की अल्कीन की तरह है, बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है, बस फॉर्मूला चेंज हो गया और सफिक्स चेंज हो जाएगा, बाकी पूरी कहानी अल्कीन वाली है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमने लिखा है फॉर्मूला क्या है, यहाँ जरा गौर से देख लीजिएगा आप। अब फॉर्मूला हमारा है CnH2n-2, और ये फॉर्मूला भी किसके लिए है, उनके लिए जिसमें सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड आए, एक से ज्यादा ना हो। और यहाँ भी N2 से शुरू होगा, तो हमने यहाँ पे बनाना शुरू करे, N2 बनाया, N3 बनाया, N4 मैं एक बार और बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी, फिर आप ही की वजह से N5 भी बना दूंगा, फिर होमवर्क में दे दूंगा। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H6 ऐसा ही है, 2 4 8 और 8 minus 2, 8 minus 2 6। अच्छा भाई चार कार्बन है, एक दो तीन चार, आपकी मर्जी जहां दिल आए लगा दे ट्रिपल बॉन्ड। मैं इन दोनों के दरमियान भी लगा सकता हूँ, इन दोनों के दरमियान भी लगा सकता हूँ, और इन दोनों के दरमियान भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है वो पीछे वाले में लगा देता हूँ। यहां क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड। अब करते हैं वैलेंसी बैलेंस, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, कितने आएंगे भाई, तीन। इस कार्बन के तीन और एक, चार बॉन्ड बने हुए। अगर मैं देखूं इसको तो चार बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। फिर इस कार्बन की बात करें, इसके भी कितने बॉन्ड बने हुए, चार बने हुए, हम और नहीं लगा सकते, क्यों, कार्बन बनाते ही चार है। फिर अगला कार्बन, इस पे एक बना हुआ था, कितने आ गए, तीन। चले एच लगा लेते, तो एक दो तीन चार पांच छ, और यहां भी कितने, छ। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सफिक्स YNE नाम बन गया ब्यूटाइन। हंजला साहब समझ आया भाई? जी सर आ गया। ठीक है तो बाकी होमवर्क दे दूं अब? जी जी दे दे। ठीक है भाई, तो अब N5 से लेकर तो N10 तक आप लोगों का काम है। अच्छा मैंने बोला था कि आप लोग मुझे जरा जब बना लिएगा तो मुझे जरा तस्वीरें खींच के व्हाट्सएप कर दिएगा, बट सिर्फ एक ही ने की थी, हंसला ने, बाकी और किसी ने नहीं भेजी, ठीक है। नहीं माशाल्लाह से, पता नहीं किया भी है कि नहीं किया।
अब फिजिकल जो क्लास होगी ना, उस क्लास में मैं सबका होमवर्क पहले चेक करूंगा, यानी पहले यकीनन अब मुझे चेक करना है कि आप लोगों को अब तक जो मैंने पढ़ाया वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो बी प्रिपेयर्ड। तो ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है बेटा। यहां तक तो क्लियर हो गई होगी बात। अब थोड़ा सा मैं आगे आता हूं, ठीक है भाई। अब तक हमने फंक्शनल ग्रुप में एक चीज पढ़ी थी, था आर। हमने फंक्शनल ग्रुप में एक चीज पढ़ रहे थे आर, याद हो आपको, जैसे हम लिख रहे थे ना आर ओ एच, वरना हम लिख रहे थे आर ओ आर, वरना हम लिख रहे थे आर सी ओ आर, या हम लिख रहे थे आर सी एच ओ। तो हम आर यूज कर रहे थे। ये आर क्या है? इन आर को हम कहते हैं क्या? अल्काइल। क्या कहते हैं? अल्काइल कहते हैं। और अल्काइल है क्या, अब मैं आपको बताता हूं कि ये बने कैसे। अल्काइल्स आर डिराइव फ्रॉम अल्केन, दे आर डिराइव फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन्स से बनाए गए। अल्केन्स क्या है, हम सारे अल्केन्स लिखते हैं। चलो भाई, पहला अल्केन नाम क्या होगा? मीथेन। फॉर्मूला क्या होगा मीथेन का? CH4। हाँ जी, मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4। फिर आता ईथेन, ईथेन का C2H6। प्रोपेन C3H8। ब्यूटेन C4H10। देखो, एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है, CH2 बढ़ रहा है। ब्यूटेन के बाद क्या आएगा? पेंटेन। ये कहलाता है क्या? C5H12। पेंटेन के बाद आता है हेक्सेन, हेक्सेन है C6H14। फिर आता है हेप्टेन, हेप्टेन है C7H16। फिर है ऑक्टेन, C8H18। नॉनेन, C9H20। और डिकेन, C10H22। ये सब आप लोगों ने लिखे होंगे अगर कल, तो याद होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है भाई। अब इनसे बनाएंगे हम क्या? अल्काइल। जैसा इनसे अब हम बनाएंगे क्या? अल्काइल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे भाई अल्काइल? अल्काइल अल्केन से कैसे बने? अगर हम अल्केन का एक एच निकाल दें तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अल्केन का एक एच निकाल दें तो क्या बन जाता है? अल्काइल। यानी अगर CH4 से एक एच निकालूं तो क्या बनेगा? मेरी आवाज नहीं आ रही। CH3। CH4 से एक एच निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? CH3। C2H6 से एक एच निकाल दूंगा तो C2H5। यानी अल्काइल कब बनते हैं? अल्काइल तब बनते हैं जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है। अल्काइल क्या बनते हैं? जब हम अल्केन से क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाते हैं? अल्काइल। क्या बन जाते हैं भाई? अल्काइल बन जाते हैं।
ठीक है जी, तो ये अल्केन्स हैं हमारे और ये क्या बन रहे हैं हमारे, अल्काइल। अब नाम क्या होना चाहिए CH3 का, सोचो। मिथाइल। मिथाइल कैसे बनाया हमने मिथाइल? सर वो एन की जगह आइल लगा दिया। हाँ जी, एन की जगह आइल लगा दिया। एन की जगह क्या लगा दिया, वाई एल, यानी ए एन ई की जगह हमने क्या लगाया, वाई एल लगाया। ठीक है, ए एन ई की जगह क्या लगा दिया, वाई एल। तो CH3 क्या बन गया, मिथाइल। ठीक है, तो C2H5 क्या बन जाएगा, इथाइल। अब आ जाओ आगे, C3H7 क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। C4H9 ब्यूटाइल। C5H11 पेंटाइल। C6H13 हेक्साइल। C7H15 हेप्टाइल। फिर ऑक्टाइल। C8H17 C9H19 C10H21 ये बनेगा नॉनाइल और ये बनेगा डिसाइल। तो क्या मैं अल्काइल का जनरल फॉर्मूला बना सकता हूँ? जी सर बन तो सकता है। क्या बनेगा सर, वही बन जाएगा, -1 लगा देंगे आगे, मेरा जरा ख्याल से बना एच के माइनस दिखाओ, बना के दिखाओ क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे साहब आप, कैसे से खुशी हुई आप आए? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वो थोड़ा काम से गया था तभी लेट हो गया। हाँ माशाल्लाह इतने सारे हैं ना। अब वो मैंने मजबूरन ले लिया आपको ना, एडमिट कर लिया, मैंने वैसे इतने कम है तेरे एक आध और आ जाएगा, मजा आएगा बड़ा। खैर तो भाई बताओ अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या बना। आप कह रहे हैं हंतला साहब कि हम क्या करें, जो अल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2 इसमें -1 कर दें, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? वो थोड़ा ऊपर का नहीं लिखना है। जी जी बेटा लिखवाता हूँ, एक मिनट लिखवाता हूँ, जरा मुझे ये वाली बात बता देना कि हमारा अल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, और हम इसमें से एक एच निकाल रहे थे तो हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बना, +2 -1 क्या बचेगा, H3 बचेगा, CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1। तो हमारा जनरल फॉर्मूला अल्काइल का हो गया क्या, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला हमारा हो गया CnH2n+1। ये अल्काइल का जनरल फॉर्मूला हुआ। ठीक है भाई, तो अल्काइल आर ड्राइव फ्रॉम अल्केन, एक एच निकालोगे क्या बन जाएगा, अल्काइल। तो ये आर है, ये क्या है हमारा आर। हाँ भाई यहां तक समझ आ गई? मैं इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अगर इससे आगे पढ़ा दिया ना फिर मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इससे आगे पढ़ाना इसका मतलब ये कि जो पीछे नहीं आए हैं आज, यानी माशाल्लाह बहुत सारे नहीं आए आज, आप लड़कियां 3 ही हैं, बाकी इसमें आपका दुआ नहीं है, मिसबा नहीं है, ईशा नहीं है, फिर लड़कों में इबाद नहीं है, तौफीक नहीं है, जैनुल आबिदीन नहीं है, अब्दुल्ला नहीं है, जो आते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं क्लास यहीं तक रखूंगा, क्योंकि इससे आगे फिर मुझे रूल्स पढ़ाने के, नाम बनाने के लिए हमें क्या रूल्स अडॉप्ट करने होते हैं, और वो अभी पढ़ा दूंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा।
तो ये लिख ले, कॉपी कर ले, फिर मैं क्लास एंड ही कर दूंगा। मेरा कल इरादा था एक्स्ट्रा क्लास रखने का, बट कोचिंग वालों ने इजाजत नहीं दी, तो वरना फिजिकल रख रहा था मैं कल एक्स्ट्रा क्लास। तो अब एक हफ्ता और सही, मंडे से तो वैसे भी ऑफिशियली फिजिकल शुरू कर रहे हैं, तो भाई आज की आपको एक ताज़ा खबर तो मैं सुना दूँ। आज की एक ताज़ा खबर वो ये है कि पेपर एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होंगे, जो पैटर्न होता है उस पैटर्न पे होंगे। ये आज की ताज़ा खबर है, क्योंकि जो उन्होंने आईपीसीसी या आईबीवीसी जो भी था, उन्होंने एक कहा था ना कि हमने एक पैटर्न बनाया और हम पेपर एमसीक्यूज बेस लेंगे, तो आज जो उन्होंने अपनी बात कही थी वो मुस्तरद कर दी गई है, उसको निगलेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो पेपर एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होंगे। तो ये अच्छा हो गया, ये गुड न्यूज है। हाँ ये गुड न्यूज है ना। अच्छा अगर आप गुड न्यूज ये इसलिए है क्योंकि एमसीक्यू हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता। फिर ठीक है सर, जिनके लिए जो कर सकते थे उनके लिए बुरी बुरी खबर है भाई, जिनके लिए एमसीक्यूज करना आसान थे। चलें अगर लिख लिया हो तो बता दिएगा, क्योंकि 8 मिनट बाद तो वैसे ही क्लास खत्म होनी थी, मैं पहले खत्म कर दूंगा। सर स्क्रीनशॉट ले लें जब तक। मैं आज फाइल भेज दूंगा ना भाई, आज आखिरी क्लास थी ना हमारी ऑनलाइन, ये बस अभी क्लास खत्म करूंगा, आपको ग्रुप पे मिलेगी। चलो सही है, ओके ठीक है, चलो फिर मैं एंड ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी किसी को कोई सवाल? ओके सर, चले अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।